जैसे मैं ना दिल्ली से हूँ और मैं यहीं पला बढ़ा हूँ, मेरे स्कूल कॉलेज दोस्त सब यहीं के हैं। तो ना मैं कुछ साल मुंबई रहने चला गया था, और जितने टाइम मैं मुंबई में था ना, मैं दिल्ली की जो एक चीज़ मिस करता था ना, वो है यहाँ का खाना। ठीक है, वो बहुत डिबेट होती है ना कि वो नहीं मुंबई में भी मिल जाता है, हट इतना ढूंढना पड़ता है यार। यहाँ जाओ नाले के ऊपर क्या छोले कुलचे मिल रहे हैं, मस्त बढ़िया स्वादिष्ट। तो मैं जब भी वापस आता ना दिल्ली किसी काम से, मेरे दोस्त बहुत एक्साइटेड होते थे कि आकाश आ रहा है, आकाश प्लान बना लो, प्लान फुल खाने का प्लान। यार वो आइटनरी बना लेते थे पूरी, सुबह सुबह चांदनी चौक नटराज के दही बल्ले, दोपहर को परांठे वाले, हंसते हुए अच्छा नहीं लगता तो मत देख बैठ के लौड़े, मैं तो हंसूंगा क्योंकि दिल्ली के लौंडे खाते नहीं है, ठूसते हैं। यहाँ आया तो ठूस लेंगे, उसके बाद उल्टी करके भी एक बंदा बोलेगा भाई शाही टुकड़ा खा लें, थोड़ा मुंह का फ्लेवर ठीक हो जाएगा। भूखे ऐसे खाते जैसे कल मौत हो जाएगी हमारी, भाई ओवर ईटिंग हो गई है, अबे तो मत खा। देखो मोमोज चटनी में डिप करने होते, हम चटनियां उठा रहे हैं, दिल्ली के लौंडे लिक्विड उठा रहे हैं भाई, फुल बुक है। तो मेरे दोस्त कहते चल चल तेरे को ना हम पान खिलाते हैं, मैं कहा मुझे नहीं खाना। टॉक्सिक अक्षय तेरे जूतड़ों में म्यूट यूजर दूं बल्ले। हाँ मैं घर से याद करके आया हूँ ना, मुझे सुनाने दो, क्विज नहीं चल रही है जो गेस कर रहे हैं। फायर पान, इससे पहले गेस कर दिया, अब क्या करेगा फायर पान। मैंने गेस किया है, कहाँ है मेरा बॉर्नविटा क्विज हैम्पर, फायर पान। मैं आइस पान की बात कर रहा था। फायर पान तो वो मुझे ले गए एक शॉप पे, मुझे नहीं पता था ये सब यार। वहां पे एक शॉप पे से वैरायटी ऑफ पान मिल रहे हैं, बटरस्कॉच, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी। फिर उनको लगा लाइफ में एडवेंचर थोड़ा कम हो रहा है, तो उन्होंने आइस पान बनाया। भाई कई दिन हो गए पान नहीं खाया भाई। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, एक पान का पत्ता लेते हैं, उसमें 150 किलो बर्फ डालते हैं और आपके मुंह में दे देते हैं। ये पान खिलाया या ऑफर ही नहीं किया जाता, दे ही दिया जाता है। देखो नॉर्मल पान खाने का क्या प्रोसेस होता है, आपने लाइफ में कभी भी पान खाया हो, आप पनवाड़ी को जाके बताते हो कि आपको कैसा पान खाना है ना, आप वहाँ खड़े होकर बनवाते हो कि बनाइए भैया, मीठा डालिए और डालिए और हाँ मैं मरना चाहता हूँ, तू डालना, जज क्या कर रहे हैं यहाँ पे यार, आप अपने हिसाब से पान बनाते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ अगर आपको आइस पान खाना है ना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस पनवाड़ी के 5 मीटर के रेडियस में आ जाना है और तुम्हारे मुंह से भी निकलेगा ना आइस पान, एक उड़ता हुआ हाथ आएगा और तुम्हारे मुंह में जाएगा। मुझे लगता है इसका नाम आइस पान नहीं, इसका नाम सरप्राइज पान होना चाहिए, क्योंकि मैं जब भी इन दुकानों पर हूँ ना, 3-4 लौंडे इसी एक्सप्रेशन के साथ घूम रहे होते हैं, ठीक है ये ऑन है, ठीक है ऑन है यार, ओ भाई जोड़े छन्ना गए यार, कहाँ छिन्न हो गया भाई, ये कैसे ऑन है। वो पनवाड़ी बहुत चलाक होते हैं, पता है वो दुकान के अंदर बैठ के पान नहीं बना रहे होते, दुकान के बाहर हाथ में पत्ता लेके घूम रहे होते, स्कैन ले रहे होते हैं ऐसे, भाई स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा पान। अच्छा अरे आ गया रे फंते नहीं, लोग वहां से नॉर्मली निकल रहे। हाँ यार वो तो परसों की बात, यार सिगरेट लेने आया था, अब गीली सिगरेट कहे यूं खाले आंडू। आपको कभी आइस पान खाना ना और आपको नहीं पता कहाँ मिलता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कनॉट प्लेस जाना है और वहां दुकानों के बाहर जाके पूछना भैया आइस पान, आइस पान यहाँ है, इतनी देर से ढूंढ रहे थे, आ जाओ मिल गया भैया, 3 लगा दो यही वाले, बहुत बढ़िया भैया, बस ही ज्यादा फनी ऑब्वियसली भाई।